सर, मैं फैशल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है रामदास अठावले जी, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री है। हम उनसे जानेंगे, आज जो महाराष्ट्र बंद है तो उसके ऊपर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। सर, टुडे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जो महाराष्ट्र में बंद अनाउंस किया गया है बाबासाहेब अंबेडकर जी ने, और CAA और NRC कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है, लेकिन वो अकोला, अमरावती और कुछ जगह पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बंद का असर है, लेकिन बाकी के 99.99% जगह पर कोई बंद नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कोई बंद अनाउंस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रकाश अम्बेडकर जी को ये विश्वास था कि जिस तरह 3 जनवरी 1918 को भीमा कोरेगांव दंगे के बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी और पूरा समाज उसमें सम्मिलित हुआ था, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरा ग्रुप था वो भी मतलब ताकत से उसमें खड़ा था, और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बंद हुआ था। लेकिन उसी तरह इनको लगा होगा कि भाई मैं अनाउंस करूंगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर बंद का असर है, लेकिन बाकी की जगह पर बिल्कुल असर नहीं दिखता है। तो इसके लिए मुझे लगता है ठीक बात है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया लेकिन भारी सफलता उसमें नहीं मिली है। जैसा कि सर ऐसा भी माना जा रहा है कि 29 तारीख को पूरा भारत बंद हो सकता है बहुजन क्रांति मोर्चा के लेके, जो वामन मेश्राम जी बंद करवा रहे, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? अभी बहुजन क्रांति जो वामन मेश्राम की है वो भारत बंद का जो न्यूज पेपर के लिए न्यूज का विषय है, ये भारत बंद करना ये कोई छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, और भारत बंद की कोई आवश्यकता तो नहीं है। मतलब बंद करने के बजाय कोई रैली निकाली, कोई सभा लिया, वहां से ठीक है, लेकिन इसी तरह का जो भूमिका हर रोज बंद का ऐलान कर रहे हैं ये बात अच्छी तो नहीं है। और वामन मेश्राम क्या भारत बंद करने का उन्होंने अनुरोध किया है, ठीक बात है, उनको हमारी शुभेच्छा है, लेकिन भारत बंद होना बहुत बड़ा मुश्किल है। सर, जो JNU में चल रहा है, जैसा कि JNU की जो असर है महाराष्ट्र के अंदर भी दिख रहा है, मुंबई में दिख रहा है, तो JNU के ऊपर क्या देखते हैं? JNU के ऊपर यही देखते हैं कि भाई JNU के स्टूडेंट ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, JNU के स्टूडेंट ने गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, वो लेफ्ट हो या राइट हो। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक भारत की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पूरे देश से वहाँ सिलेक्ट होकर स्टूडेंट आते हैं, मेरिट वाले स्टूडेंट आते हैं, वहाँ हमेशा रैली निकालना, गुंडागर्दी करना, इसी तरह की वारदात वहाँ चलती रही है, और वहाँ के बाद फिर पूरे देश भर में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटियाँ है वहाँ वहाँ स्टूडेंट रहते भी आए, ये बात सही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मतलब जिन लोगों ने दादागिरी की है, वहाँ नका पेंगर जो कुछ लोग वहाँ आए उन्होंने हॉस्टल की तोड़फाड़ की है, स्टूडेंट पर हमला किया है, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, और चाहे कोई भी हो उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हर यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट ने हर बार मनमानी वहाँ करना ठीक नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का वातावरण, शिक्षा का वातावरण होना चाहिए, आंदोलन का वातावरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने मांग किया है कि मतलब हर यूनिवर्सिटी में और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए। ये थे हमारे साथ रामदास अठावले जी, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, सामाजिक न्याय मंत्री है। हम उनसे देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज़। मैं फैशल